नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 9D। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की भांति आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट, इस वीडियो को आप जहां तक वॉच करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यूज द प्रोटेक्टर एंड रूलर। दिस इज प्रोटेक्टर एंड दिस इज रूलर। स्केल को रूलर बोला जाता है, ठीक है। टू कंस्ट्रक्ट एंगल्स ऑफ फॉलोइंग मेजर्स, यानी कि ये जो हमें मेजरमेंट दिए गए हैं इनको हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं इन एंगल्स को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए, ए 150 डिग्री है, 150 यानी कि 150 डिग्री का मुझे एंगल बनाना। तो देखिए मैं किस तरीके से बनाऊँगा। पहले मैंने ये लाइन खींच ली, इस तरीके से एक सीधी लाइन खींच लेना, ठीक है। इस तरफ एक एरो यानी तीर का चिन्ह कर देना, इस तरफ आप एक पॉइंट लगा लेना। ये जो पॉइंट है इसे देखिए मैं लेफ्ट पॉइंट पे बना रहा हूँ, ठीक है। यदि आपको नहीं आता है तो आप मेरे पिछले वीडियोस वॉच कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने पूरा बताया कि एंगल किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। रख लिया 90 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना, इसके सीध में। अब देखिए इसने मुझे बोला है 150, ठीक है। तो गाइस देखिए 150 यहाँ पर आ रहा है, ये थोड़ा सा यार बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा इधर ले लूँ, कोई और एंगल यहाँ पर बना दूंगा ताकि यार आपके ढंग से समझ में आ जाए, बस इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एंगल बड़ा है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इस साइड ले रहा हूँ। ये मैंने सीधी लाइन खींच ली, ठीक है। देखना बस आपको पूरा समझाना है यार, वहाँ पे देखिए पार जा रहा था एंगल, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, इस पॉइंट को मैं ना ये जो 90 डिग्री है ना इसकी सीध में कर लिया बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए 150 डिग्री कहाँ पर आ रहा है, तो 150 डिग्री आ रहा है ये देखिए। जब हम लेफ्ट बनाते हैं तो जो हमारा इनर स्केल है ना ये काम में आता है। तो 150 ये रहा, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, ठीक है। अब इसकी मैं सीध कर लूँगा ऐसे, ये सीध कर ली, ठीक है, सीध कर ली। देखिए देखिए हाँ सीध कर चुका हूँ बिल्कुल। अब इस तरीके से लेना, पूरा आगे नहीं ले जाएं क्योंकि ये कोण इस कोण को काट देगा, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना बन चुका, 150 डिग्री। तो भाई समझ में आपके यहाँ से आ चुका होगा। नेक्स्ट देखिए 15 डिग्री मैं इसको बना देता हूँ। तो 15 डिग्री है, मैं आपको लेफ्ट पॉइंट पर ही बना के बता रहा हूँ। तो 15 डिग्री देखिए वहाँ पर आ रहा है इनर स्केल में, 15 डिग्री देखिए। तो ये रहा, ठीक है, बस यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। अब इसने देखो मैंने प्रोटेक्टर का तो यहाँ पे यूज़ कर लिया, अब यहाँ से मुझे रूलर का यूज़ करना होता है। बट रूलर का देखिए कोई स्पेशली यूज़ नहीं है, हम जो प्रोटेक्टर था उससे भी हम अपना काम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कितने डिग्री है, 15 डिग्री, 15 डिग्री, ठीक है, क्लियर, डेफिनेटली आपके समझ में आ चुका। अब देखिए 75 मैं आपके सामने बना रहा हूँ और यहाँ पर बनाऊँगा, ठीक है। ये मैंने एरो कर दिया, ये यहाँ पर पॉइंट लगा लिया। अब इसको 90 डिग्री के सीध में कर लूँगा, तो कर लिया तो ठीक है 75। तो देखिए 60 70, ये 75 आ रहा है यहाँ पे बीच में बड़ी वाली लाइन में, इस पर मैंने मार्क कर लिया इस तरीके से, ठीक है। इसकी मैं सीध ले लूँ कुछ ऐसे, सीध बिल्कुल ले लिया दादा, आगे नहीं ले जाऊँगा, सिर्फ इतना ही लेंगे, ठीक है। तो ये आपका 75 डिग्री है, ठीक है। फिर मुझे देखिए 110 डिग्री बनाना है, तो मैं यहाँ पर बना दूँगा 110 डिग्री। ये मैंने लाइन ले ली, इस कुछ इस तरीके से इधर कर दिया 90 डिग्री पे, ये पॉइंट मैं लगा लूँ थोड़ा सा, लगा लिया, ठीक है, लगा लिया। अब देखिए मुझे बनाना कितना, मुझे बनाना है 110 का, 110 देखिए ये 70 के साथ यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट लगाया। और अब करूँगा क्या, इसको मिला दूँगा और करना क्या मुझे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 110, यानी कि 110 डिग्री। अब देखिए 45 डिग्री है, तो आपके सामने बनाता हूँ। इस बार है ना मैं आपको बी पॉइंट पे बना के बताता हूँ, इस राइट पॉइंट पे, ठीक है, राइट पॉइंट पे। तो राइट पॉइंट भी ये मैंने लगा लिया, 45 बोल रहा गाइस, 45 देखिए मैंने बोला था राइट पॉइंट पे जब आप बनाओ ना, ठीक है, और राइट पॉइंट पे बनाओगे तो 45 डिग्री यानी आपका आउटर स्केल इसमें काम में आ जाएगा। आउटर स्केल में यदि हम देखें तो 45 देखिए यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट यदि हम देखें तो 60 डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री को और मैं आपको इसी पॉइंट पे बना के बता दूं ताकि आपको यह लगे कि हमें इस राइट पॉइंट पे बना, राइट पॉइंट बनाओ तब आउटर जो है ना इसको काम में लो। ये आपका राइट पॉइंट है तो इसको 90 डिग्री पे ऐसे कर लो, सीधा कर लिया। अब आपको करना कि आपको कितने का बनाना है, 60 का ना, 60 देखिए यहाँ पे आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये 60 का मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। 85 डिग्री आ रहा है, फिर
85 डिग्री है गाइस, और 85 डिग्री ये आपका रहा, ठीक है। तो अब आपको बिल्कुल आ रहा होगा सब कुछ, डिग्री ठीक है, और इसमें यहाँ पे आप ऐसे कर दो, क्लियर। 85 भी समझ में आएगा, 120 डिग्री बना के बता रहा हूँ, 85 यार आपको ज़्यादा दिखा नहीं, चलिए इसमें दिखा देते हैं, 120 आपको मैं बता रहा हूँ। तो 120 को मैं राइट पॉइंट पे बनाता हूँ, इस पॉइंट पे, ठीक है। मैंने ये लगा लिया, लगा लिया, और 120 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है आउटर स्केल वाला होगा, ठीक है। ये तो भाई इसकी सीध कर लूँगा मैं कुछ इस तरीके से, कर लिया, वन ट्वेंटी डिग्री ठीक है। और फिर मुझे बनाना है 18 डिग्री, मुझे बनाना है यहाँ पे एंगल, ठीक है गाइस, देखना आराम से। ये मैंने सीध कर ली 18 डिग्री, तो ये आपका 20 है, ये 19, ये 18 यहाँ पर, ठीक है, सीध कर लेना बस। तो ये आपका यहाँ से बन चुका है 18 डिग्री। इसके बाद में देखिए 140 डिग्री, 140 डिग्री मैं यहाँ पे आपको बना के बता दूँ, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। इस पॉइंट पे 140 डिग्री बताऊँगा मैं आपको बनाना, ठीक है। 140 डिग्री आगे नहीं ले जा सकते क्योंकि आगे एंगल कट जाएगा, तो ये 140 डिग्री ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एफ बी ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटेक्टर, ड्रॉ एंगल ऑफ 65 एंड 155 विद ए एंड बी एज वर्टिक्स एंड द लाइन सेगमेंट एफ बी एज वन ऑफ द साइड्स। तो देखिए गाइस ध्यान से देखना, अब आप बिल्कुल आराम से देखना, ये बोल रहा है कि पहले आप 4 सेंटीमीटर का एफ बी लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, ड्रॉ कर लो। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बिल्कुल आराम से, तो देखिए मैं यहाँ से 4 सेंटीमीटर पहले बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए आपको पता होगा ये मैंने रूलर ले लिया यानी कि स्केल, ठीक है, बिल्कुल इसे सीधा कर लेना आप, ठीक है, अब सीधा। तो अब देखिए ये यहाँ पे पॉइंट लगा लो, एक तो जीरो वाले स्टार्टिंग में लगा लिया, ठीक है, एक लगा लो यहाँ पे 4 पे। अब करना क्या, सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, और क्या है इसमें, कोई तीर तो है नहीं, रॉकेट साइंस तो है नहीं। ये मैंने 4 सेंटीमीटर क्या कर दिया, ए एंड बी ड्रॉ कर दिया, ए एंड बी रेखा का, ये ए और ये यहाँ पे बी, और ये टोटल कितना था, 4 सेंटीमीटर था। अब गाइस देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है प्रोटेक्टर की सहायता से मैं एंगल 65 जो कि ए पे और 155 जो कि किस पे बनाना है, बी पर। तो बिल्कुल इजी वे में बनाऊंगा, ए पर कितना बनाना है 65, तो आ जाइए ये मैंने रख दिया अपना प्रोटेक्टर बिंदु ए पर, और देखिए बेस लाइन है वो पूरी ऊपर है इनिशियल पोजीशन की, ठीक है, पूरा ढक रखाना, ये पॉइंट इस पे मिल चुका है। 65 मुझे बनाना है, तो ये देखिए 60, ये 65 होगा, यहाँ पर पॉइंट लगा लूँ मैं 65 के लिए। अब देखिए करूँगा क्या, इसको आगे कर दूँ ऐसे ड्रो, ठीक है ना, धीरे धीरे करने दो यार थोड़ा आगे, क्योंकि इस बार करना ज़रूरी है थोड़ा, ठीक है ना। तो ये क्लियर आपके समझ में आ चुका होगा। तो आगे देखिए पॉइंट नंबर बी, बी पर मुझे 155 का बनाना, ये मैंने ठीक है रख लिया, और मुझे बनाना कितना है 155 का, तो मैं यहाँ से बना दूंगा और बिल्कुल इजी वे में बनाऊंगा 155 ना। तो देखिए अब आउटर स्केल आ जाएगा गेम में, ठीक है, तो ये 155, ठीक है, तो यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। अब देखिए कुछ इस तरीके से हम करते हुए लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ये 155, तो ये कितना था आपका 65, ठीक है, ये कितना है 155 डिग्री, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया और आपको दिख रहा है, तो
देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे इसने बोला था कि ए व बी वर्टिक्स होने चाहिए, तो ए वर्टिक्स है, बी भी वर्टिक्स है, एंड एफ भी है, वो आपका एक लाइन सेगमेंट होना चाहिए, ठीक है, और किस के रूप में होना चाहिए, साइड्स के रूप में, ठीक है, तो साइड के रूप में है यहाँ पे भी। तो ये एक्सरसाइज थी वो आपकी, इसमें दो इक्वेशन थे, दोनों मैंने आपको बिल्कुल आराम से करवाए हैं, ठीक है। ऊपर वाला भी आपको दिखा दूँ, तो एंगल जब आप बनाओ तो एंगल की जो दोनों ये रेखाएँ होंगी ना, इनिशियल पोजिशन फाइनल पोजिशन, इन दोनों में आप ऐसे एरो तीर का चिन्ह लगा लिया करो, ठीक है। तो मैंने सब कुछ आपको यहाँ पर बना के दिखाया, पूरा का पूरा वीडियो आपके समझ में आ चुका होगा। तो गाइज, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।